मुरुंगाई के बीज डायबिटीज रिवर्सल में पत्तियों से भी ज्यादा असरदार हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही साइंटिफिक फैक्ट्स प्लस स्पेसिफिक रेमेडीज बताने वाला हूँ मुरुंगाई के पत्तों को लेकर, जो शायद आपने पहले ना कभी सुने होंगे और ना ही शायद कभी आपने यूज किए होंगे। मुरुंगाई के बीज डायबिटीज रिवर्सल में पत्तियों से भी ज्यादा असरदार हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही साइंटिफिक फैक्ट्स प्लस स्पेसिफिक रेमेडी बताने वाला हूँ जो शायद आपने पहले नहीं सुने होंगे। चलिए जानते हैं कि कैसे ये बीज आपके डायबिटीज को रिवर्स करने में आपकी मदद कर सकते हैं। मुरुंगाई के बीज डायबिटीज के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं, अधिकतर ये सारी रिसर्चेस में देखा गया है। एक स्टडी जो जर्नल ऑफ फूड एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 2012 में की थी, उसमें ये पब्लिश हुआ था कि मुरुंगाई के बीज ब्लड शुगर लेवल को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। रिसर्च में ये पाया गया था कि मुरुंगाई बीजों में मौजूद कंपाउंड जैसे इसोथायनॉइड्स और फ्लेवोनॉइड्स फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज को कम करते हैं और ग्लूकोज टॉलरेंस को बेटर बनाते हैं, यानी वो बेहतर कर देते हैं, जो डायबिटीज मैनेजमेंट में एंड रिवर्सल के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है। इनफैक्ट एक और ऐसी स्टडी जो जर्नल ऑफ एंथोफार्माकोलॉजी ने 2010 में पब्लिश की थी, उसने ये बताया था कि मुरुंगाई बीज इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर और बढ़ाते हैं, उसको और बेहतर करते हैं। ये डायबिटीज टाइप 2 के लोगों के लिए तो एक बहुत ही रामबाण उपचार है, क्योंकि ये आपके मसल्स के अंदर ग्लूकोज का अपटेक बढ़ा देते हैं। उसी के साथ इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंस ने एक और स्टडी में ये बताया है कि मुरुंगाई बीज में खास पेप्टाइड्स होते हैं जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने में मदद करते हैं और ये इंसुलिन के सर्कुलेशन को भी रेगुलेट करके अच्छे ढंग से बढ़ा देते हैं। अब देखते हैं कि मुरुंगाई के बीजों का उपयोग कैसे कर सकते हैं। डायबिटीज में मुरुंगाई बीजों को आप अपने आहार में शामिल करने के कुछ आसान तरीके कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप कर सकते हैं, आप उसको रॉ कंज्यूम कर सकते हैं। मुरुंगाई बीज का सबसे आसान तरीका है इन्हें कच्चा खाना। शुरुआत में आप 1 से 2 बीज रोज ले लें, धीरे धीरे इसे कम से कम 5 से 10 कर लें। इस तरीके से आप सीधे इनमें मौजूद एक्टिव कंपाउंड्स का लाभ उठाना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस और कम होगी। पर इसे आप पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं। आप मुरुंगाई बीजों को पीस कर उसका पाउडर बना सकते हैं और इसे अपने स्मूदीज में, सूप्स में, सलाद्स में एक एक चम्मच डाल करके ले सकते हैं। पाउडर फॉर्म पचाने में आसान होता है और आप इसके स्तर को, स्पेसिफिकली इनके न्यूट्रिएंट के स्तर को एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर भी रख सकते हैं। तो मुरुंगाई बीज आप चाय में भी ले सकते हैं, यानी आप इसका इन्फ्यूजन ले सकते हैं। कुछ बीजों को आप अच्छे ढंग से कूट लें, कुचल कर गर्म पानी में 10 से 15 मिनट भिगो दें और उसके बाद उसकी अच्छे ढंग से उबाल करके उसकी चाय पीना शुरू कर दें। इस इन्फ्यूजन को अगर आप रोज़ाना पीना शुरू करेंगे तो आपके ब्लड शुगर लेवल में अच्छे ढंग से रिडक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप डायबिटीज़ रिवर्स करना चाहते हैं तो मुरुंगाई की बीजों की ताकत को बिना नकारे हुए, उसे बिना नज़रअंदाज किए हुए आप यूज़ करना शुरू करें और आप खुद ही देखेंगे कि इतने अच्छे ढंग से आपकी शुगर कम होना शुरू हो जाएगी। पर उसी के साथ आप हमसे जुड़कर भी काम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, आप हमसे जुड़कर काम करना चाहते हैं तो आप हमें DM कर सकते हैं, रिवर्स यानी R कमेंट सेक्शन में लिखें एंड आपको हमारा नंबर मिल जाएगा जिसके ऊपर आप हमें संपर्क करके आप अपनी डायबिटीज को रिवर्स अच्छे ढंग से कर सकते हैं। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। अगले वीडियो तक नमस्कार,